हे गाइस, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल क्रेजी टीवी 24। सो गाइस, दलजीत कौर का भी हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ। वेल, आपने हो सकता है उस इंटरव्यू को सुन भी लिया हो, लेकिन आपको बता दें, उस इंटरव्यू के बाद अगर उसे हिंदुस्तानी भाव सुनेंगे तो जाहिर सी बात है उनको लिए बहुत अच्छा जवाब है। जी हाँ, तो दलजीत कौर ने कहा है अपने इंटरव्यू में कि शहनाज बिल्कुल भी बदली नहीं है, जैसी थी वो वैसी है। जैसे बिग बॉस 13 के घर के अंदर देखा है, आप हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, अब सबसे प्यार से बोलना बात करना, अब थोड़ा कम बात करती हैं लेकिन वैसे ही हैं, डाउन टू अर्थ हैं। जिस तरीके से उन्हें बिग बॉस 13 के बाद इतनी ज़्यादा हाई पॉपुलैरिटी मिली है, शहनाज के सर पे बिल्कुल भी नहीं चढ़ा है उसका गुमान, नहीं कोई घमंड, नहीं कोई एटीट्यूड नहीं। जी हाँ, तो हिंदुस्तानी भाव के लिए इसलिए जवाब होगा क्योंकि हिंदुस्तानी भाव ने कहा कि शहनाज के ऊपर ये जो पॉपुलैरिटी और उसको जो इतना मिला है, इसका उसके ऊपर सर पर चढ़ गया, वो घमंड हो गया उसके अंदर, किसी से बात करना नहीं पसंद करती। आपने बिग बॉस 13 के अंदर उनका इतना दिल दुखाया, वो क्यों आपसे बात करेंगे? दैट डज नॉट मीन दैट कि उसके अंदर घमंड आ गया है। जिस जिसके साथ शहनाज ने भाई कुछ भी कहा, शहनाज उससे बात नहीं करती, वो हमेशा इस बात को कहती हैं। वहीं दलजीत कौर ने ये भी बताया कि वो मिली भी हैं बिग बॉस 13 के बाद, तो आपको सुनाती हूँ दलजीत की पूरी बात। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और लास्ट तक ज़रूर सुनना दलजीत कौर की पूरी बात। बहुत पतली हो गई और बहुत क्यूट हो गई है। अब तो जितना बड़बड़ करती थी अब उतना बड़बड़ नहीं करती, अभी बहुत ही कैसे हो आप, कैसे हो? मैंने कहा है जो इतना कुछ अचीव करने के बाद, यू नो, व्हेन आई मेट सना आई वाज सो हैप्पी कि यू नो जो जिस तरह का क्रेज है, जिस तरह का यू नो जिस तरह की अचीवमेंट है, टचवुड, यू नो बाबा जी की बहुत मेहर है कि उसके सर पे नहीं चढ़ी। यू नो इतना हम्बल, इतना पोलाइट, और जिसको सिंप्लिसिटी बोलते हैं, जो पहले दिन थी यू नो वो अभी भी है। तो वो मुझे वो बुमरो करती थी ना, मुझे वो बुमरो करती हुई पतली सना दिखाई दी उसमें, तो रिलेशन सिद्धार्थ के साथ था एज अ फ्रेंड और बहुत अच्छा लगता था उससे बात करके, यू नो। और सना एक यू नो बच्ची नहीं होती जो यहाँ से वहां ऐसे ऐसे कूदती रहती थी, तो एक जगह पे जब देखती थी सना यहाँ होती थी, फिर आग